सच में आपको नहीं पता कि इंग्लिश सीखनी कैसे है मैंने अपने चैनल पर जब भी पढ़ाया है तो आई स्टार्ट विद के आप खुद बोलो एंड देन व्हाट हैपेंड आई जस्ट शिफ्ट ऑन ट्रांसलेशन क्योंकि सभी बच्चों को ट्रांसलेशन चाहिए होता है हाँ ट्रांसलेशन करके हमारी आदत खराब हो जाती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसलेशन करना गलत है इनफैक्ट मैंने भी जब इंग्लिश सीखी तो ट्रांसलेशन मुझे बहुत ज़रूरी पड़ा क्यों क्योंकि हमारे आइडियाज़ इतने नहीं आते हमारे दिमाग में इतने टाइप के सेंटेंस नहीं आते वेन इट कम्स टू स्पीक हम कभी कभी स्टक हो जाते हैं इंग्लिश बोलने में भी तो ये बात है कि ट्रांसलेशन बुरा नहीं है लेकिन उसकी आदत हो जाना बुरा है अब सबसे पहले आप लोगों को अगर इंग्लिश बोलना ही है तो मेरी एक बात याद रखो सबसे पहले यू शुड लर्न कि जो हम टॉपिक्स ग्रामर में सीखते हैं उन्हें स्पोकन स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग कैसे सीखना है आई विल टेल यू अबाउट इन माई Don't डोंट वरी विट टेंशन लो। मैं इसके बारे में आपको अपनी क्लास में हंड्रेड परसेंट बताऊंगा और इम्प्रूवमेंट आएगा अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत सारे लोगों में आया है अगर मेरे चैनल पर हंड्रेड स्टूडेंट हैं तो उनमें सेवन और एट को इंग्लिश बोलना आता है क्योंकि वह लास्ट तक टिके रहते हैं मजबूती से और प्रैक्टिस खुद करते हैं देखो अगर आप मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो इंग्लिश बोलना कभी नहीं आएगा इंग्लिश बोलने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए पहले स्किल्स के हमें शुरुआत कैसे करनी है बोलना कैसे है क्या क्या टेक्निक्स से दूसरा ट्रांसलेशन का यूज करना पड़ेगा यार थोड़ा बहुत क्यों ताकि हमें अलग अलग सेंटेंसेस बोलने का तरीका आ जाना चाहिए और लास्ट थिंग क्या है हमें उसे अप्लाई करना है देखो अगर तुमको कुछ आता है और तुम उसे यूज नहीं करते हो तो यूजलेस है अगर आपको इंग्लिश के छोटे सेंटेंस बोलने आते हैं बट आप उन्हें यूज नहीं करते हो तो वो बेकार हो जाते हैं इट डजेंट मेक एनी सेंस ठीक है सो आप लोगों को अगर इंग्लिश बोलनी ही है मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज शुरू किए हैं और टीचर्स भी करते हैं मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ ये इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ एक काम करना है पहले थोड़ी सी स्किल सीखो मैं मानता हूँ पंद्रह से बीस दिन में आपको वो आइडिया आ जाएंगे कि आपको इंग्लिश कैसे सीखनी है दूसरा फिर आपको ट्रांसलेशन करना है ये मस्ट है प्रैक्टिस के लिए तो इसरा अप्लाई करना है यू शुड मेक अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन लाइक कुछ चीजें आप देखो जैसे आई मेक माई यू नो मिनी ब्लॉग्स इन इंग्लिश तो आप उसे देखो थोड़ा सा आइडिया लो उससे सिमिलरली यू शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश फर्स्ट अगर आप लोग सीखे जा रहे हो सीखे जा रहे हो यू आर ओनली कंज्यूमिंग देन हाउ कैन यू स्पीक फ यू रियली वॉन्ट टू स्पीक यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग अगर आप बोलना शुरू नहीं करोगे तो भाई इंग्लिश नहीं बोली जाएगी और लर्निंग इंग्लिश इन डेज मंथस और ईयर्स नॉट पॉसिबल ये हंड्रेड परसेंट डिपेंड है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो या कितना बोल रहे हो दिनों में महीनों में सालों में नहीं आती है डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना जल्दी आएगा आप दुनिया में कोई भी टीचर देख लेना ता है ती है चुका है चुकी है के चक्कर में पढ़ोगे तो यू विल नेवर स्पीक इंग्लिश मैं लिख के देने को तैयार हूं इनसे कुछ नहीं होता इससे अच्छा ट्रांसलेशन कर लो तो थोड़ा पॉसिबल है चुका है, चुकी के चक्कर में नहीं पढ़ो चुका है, चुकी क्या है अरे जो काम खत्म कर दिए हैं तुमने वो है चुका चुकी मैंने क्या क्या खत्म कर दिया खाना खा लिया पानी पी लिया अरे यही तो है मैं खाना खा चुका पतलब, हाँ समझ रहे हो ना मतलब इंग्लिश को हार्ड नहीं बनाना मैं जल्दी कोर्स ला रहा हूँ उसे आराम से देखना और प्रैक्टिस वीडियो पे ज़्यादा फोकस करना देखो <coughs> इतना तो आप लोग इंग्लिश को सीखो इतना प्रैक्टिस करो और इतना अप्लाई करो तब इंग्लिश बोल पाओगे अदरवाइज आप लोग हमेशा वीडियो देखते रहो Bye.